हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज तारीख है 28 मई 2022 और अभी बजे हैं शाम के 6:30। सुबह आया था मैं हरिद्वार, अपने घर से चल के 5:30 बजे निकला था तो हरिद्वार पहुँचा था, लेकिन अभी मैं हूँ देहरादून में और मैं अभी देहरादून हूँ अपने काउच सर्फिंग होस्ट के घर पर। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा काउच सर्फिंग का मेरा पहला एक्सपीरियंस इंडिया में। तो ऐसा कुछ एक काउच सर्फिंग मेरे होस्ट का घर है, ये देहरादून के बाहर की, ये देहरादून में है और ये कुछ बाहर इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है, ग्रीन ग्रीन एरिया चारों तरफ, गार्डन गार्डन है और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी दिया गया है, चेयर्स रखी हैं, यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, अंदर भी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा प्यारा इन्होंने काउच सर्फिंग का के लिए अपना होस्ट के लिए ऊपर गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। यहाँ पे ये काउच सर्फर को होस्ट करते हैं। जो अंकल है वो ONGC में थे रिटायर्ड, तो अब वो देहरादून में रहते हैं। अभी मैं उनको आपको मिलाऊंगा शाम को जब काउच सर्फिंग का मीटअप होगा। उन्होंने आज मीटअप भी होस्ट किया है देहरादून के लिए। तो ऐसा कुछ है इंडिया में काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जो मुझे इन्होंने प्रोवाइड किया है। ये सामने कुछ कितनी अच्छी ग्रीनरी लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं एक कूलर भी रखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पर गर्मी लगे तो आप कूलर भी चला सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। ऐसा कुछ है रूम के एंट्रेंस, थोड़ा नीचे उतर के रूम है लेकिन बहुत अच्छा रूम है। 2 बेड आपको मिलेंगे, सामने मिरर है, वो मैंने अपने कपड़े लटका दिए हैं। अभी मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ काउच सर्फिंग के लिए उन्होंने अपने टेरेस पर रूम बनाया हुआ है, इसमें AC सब मिल जाएगा आपको, फ़ैन भी है। ये सामने मिरर, ये मैं हूँ, ये मेरा हेलमेट रखा है, ये मेरी जैकेट, कपड़े रखे हुए हैं मेरे। एक बेड ये है, एक बेड वो है। आपको TV चार्जिंग के लिए सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और मच्छर ना लगे तो ऑल आउट भी है। तो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा इन्होंने यहाँ पे काउच सर्फिंग के लिए वो अपना एक अकोमोडेशन टाइप का बनाया हुआ है जो ये काउच सर्फिंग को होस्ट करते हैं। बस थोड़ा सा नीचे उतर गया तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। वैसे बाहर सिटिंग एरिया, पूरी टेरेस, पूरा छत सब आपका है, आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। ये रूम में अटैच बाथरूम में दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक नहीं, इसको करते हैं बंद। तो अभी शाम को 7:30 बजे यहाँ पे काउच सर्फिंग का मीटअप है। तो आसपास देहरादून के इलाके में जितने भी काउच सर्फर्स हैं, काउच सर्फिंग को यूज़ करने वाले हैं, वो आएंगे और थोड़ा छोटा सा गेट टुगेदर टाइप का होगा। तो और भी लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा और अंकल से मिलवाऊंगा जिन्होंने मुझे होस्ट किया देहरादून में। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए आगे चल के दिखाते हैं आगे तक का प्रोसेस जब 7:30 बजे पार्टी शुरू होगी। अभी हो रहे हैं 6:30, तो 1 घंटा है, अभी 1 घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलवाता हूँ अंकल से। उसमें भी इसमें जब आप इधर बैठेंगे ना, जब टाइमर है इसमें, हाँ हाँ कर दिया है मैंने, वो सेट कर दिया। आप दोनों यहाँ बैठो, हम लोग आ जाओ। हाँ नहीं 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 इधर नहीं आएगा ना, एक पहले इधर आ जाऊंगा। हाँ मैं इधर आ जाऊंगा, पहले सब इस पे देखेंगे, ठीक है, उस पे नहीं देखना है। चलो ठीक है, सब अपना एक कर लो, बताओ कौन सा। ये ठीक है, ये वाला ठीक है, मैं भूल जाऊंगा, ऐसे ही रखता हूँ। 5 4 3 2 तो वीडियो में जो है ना कि जो अच्छा एंगल होता है उससे अच्छा वीडियो भेजो। अब इसमें कोई मैं एंगल के अंदर यही है, मेरी बाइक अभी बाहर खड़ी है तो वो गाड़ी अंदर कर रहे हैं अंकल, अपनी बाइक उसके पीछे आ जाएगी। तो ऐसा कुछ सोसाइटी है, बहुत शांत सोसाइटी है। अभी रात के 12 बज गए तो हम काउच सर्फिंग के इवेंट में थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे मीटअप के लिए। तो अभी कुछ ऐसा है, मीटअप वाले सब चले गए, अभी हम बस बाइक अंदर करके हम भी सोने जा रहे हैं। तो काउच सर्फिंग मीटअप की मैंने आपको वीडियो दिखाई नहीं है ज़्यादा, तो उसके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। बाकी मैं चलता हूँ आगे बाइक अंदर खड़ी करके, तब
तो ऐसा था मेरा स्टे देहरादून के अंदर। रात को जो काउच सर्फिंग का मीटअप होता है उसमें मैं आपको लोगों से मिलवा नहीं पाया क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सबसे मिल रहा था, तो ऐसे एकदम कैमरा खोलना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा कुछ स्टे था। अभी सनराइज़ हो रहा है, सुबह के बजे हैं 7। अब मैं यहाँ से जाऊँगा रोबर्स केव में, तो मैं आपको दिखाऊँगा इससे अगली वीडियो में रोबर्स केव। इस वीडियो करते यहीं पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।